हमारे एक जज के दिल में जगह बनाए। हमारे जज दिखते इतने शानदार, स्टाइलिश और हैंडसम हंक है सिर्फ उनकी वजह से, थैंक्स टू उनकी स्टाइलिंग। और ये रहते इतने खुश हैं थैंक्स कि शी इज एवर स्माइलिंग। इज अ वेरी ब्यूटिफुल, हॉट, स्टनिंग और जो रह चुकी है लीडिंग टेलीविजन एक्ट्रेस सोनिया कपूर रेशमिया। चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे, जान ले लो ना जान रे, कहीं निकल ना जाए हमरे बॉडी से प्राण रे, हमरे बॉडी से प्राण रे। चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे। कांग्रेचुलेशंस नेहू प्रीत। सोनू तुम कुछ लाई हो? मैं शादी के लड्डू लाई हूँ बाय द वे। ओ वाओ, प्लीज। सो मैं चाहूंगी कि आप सब अपना अपना मुंह मीठा करिए क्योंकि नेहू प्रीत की शादी का मौका है। तो ये तो धोखा है, अंदर से कुछ और भी है। शादी के लड्डू हैं ये? ये कैसे सोच सकते हो आदि कि एचआर की वाइफ आई है? एचआर की वाइफ सोनिया जी। बच्चों तालियां। देखिए मैंने ये कहा था कि ये शादी के लड्डू मैं लाई हूँ, ये लड्डू बनाए मेरे हस्बैंड ने। ये मैंने बदल दिए थे, मैंने बदल दिए थे। अच्छा सोनिया दीदी, आपने हमें शादी का लड्डू तो खिला दिया और खा के हमारी हालत भी बहुत खराब हो गई। इतना कड़वा लड्डू शादी का खाया हमने। तो बस तो नेहू प्रीत की ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक प्यारा सा एक डांस परफॉर्मेंस कर दे हमारी शादी में। तो शादी में तो हो नहीं पाएगी। हो जाए, हो जाए। अच्छा मैंने अब नेहा की बात मानी है तो रोहन अब आपकी बारी है, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। आप भी पंजाब से, मैं भी पंजाब से, तो हो जाए भंगड़ा। वैसे भारती भी पंजाब से है। कैटवॉक वाली बेबी है मेरी चाह, नेकलेस सूट विच लग भी कमाल, कितने चली जाती है। Oh,
भारती, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी और हर्ष की मुलाकात कैसे हुई? इसी चैनल पे एक शो आता था, कॉमेडी सर्कस। जी। ये उसके राइटर थे। बात थोड़ी बेइज्जती वाली है, लेकिन बता देते हैं अभी क्या। जी, प्लीज। एक्चुअली ये जिसकी स्क्रिप्ट लिखते थे वो आउट हो जाता था। बिल्कुल। इन्होंने कपिल शर्मा तक आउट करवाया हुआ है। जी, जिनको कोई आउट नहीं कर सकता। एक टीम आउट, दूसरी टीम आउट, तो फिर मुझे डायरेक्टर ने कहा कि हर्ष तेरे लिए लिखेगा। मैं डर गई। मैंने बोला मैं नई नई आई हूँ, मैंने लोन भी लिया है, अगर मैं आउट हो गई तो लोन कौन भरेगा। बट मुझे हर्ष जैसे रोहू इतने क्यूट थे, ये भी हर्ष छोटा सा क्यूट सा, मैंने बोला चलो लिखो हम देखते हैं। हर्ष ने पहली बार मेरे लिए स्क्रिप्ट लिखी और मुझे शरेआम आउट कर दिया गया। मैं आउट हो गई सर, मैं आउट हो गई। फिर दूसरी बार सेकंड एपिसोड में वाइल्ड कार्ड एंट्री थी, फिर इन्होंने लिखी हुई थी स्क्रिप्ट। अब मुझे गुस्सा भी आई जाए, लेकिन मुझे प्यार भी आए कि हाँ भी कोशिश तो कर रहा है लड़का। फिर जब हम वाइल्ड कार्ड में गए, फिर पहली बार मुझे और सिद्धार्थ को 10-10 मिले और स्टैंडिंग ओवेशन मिली। अरे वाह। बस उसके बाद फिर सर ऐसी लाइफ चली, ऐसी स्क्रिप्ट लिखी कि अब मेरी दिल की स्क्रिप्ट में भी ये है। फिर मैं कभी आउट नहीं हुई। आज भी वही फीलिंग, वही धड़कने तेज हो जाती जब हाथ लगता है वो या मैं पकड़ती हूँ। तारा तारा दिन के रात बिताई, नैना नू जद कोई देख कर साई। मैं इमोशनल हो जाती हूँ। आज भी मुझे उसके लिए सुबह पहले उठना जल्दी अच्छा लगता है। उसके लिए उसको उठते ही पूछना हर्ष क्या लेगा पहले, गरम पानी है। मेरे को आज भी वो बहुत अच्छा लगता है, वरना बीवी कहती भाई मैं भी तो काम करती हूँ, उसको आवाज देना वो दे देगा। मेरे को हर काम हर्ष का करना बहुत अच्छा लगता है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भारती और हर्ष।